हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल है ब्यूटीफुल। तो आज का हमारा वीडियो है मेरे नाइट स्किन केयर रूटीन के ऊपर। पिछले कुछ दिनों से मैं अपना एक नाइट स्किन केयर रूटीन फॉलो कर रही हूँ, जिस वजह से मुझे मेरे स्किन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नज़र आए हैं, जो कि मैं पॉजिटिव साइड से बोल रही हूँ। आई थॉट कि मैं आप लोगों के साथ भी मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। और लास्ट स्टेप जो मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगी, उसको तो कभी भी स्किप मत करना। वो स्टेप मैं भी बहुत दिनों पहले स्किप कर जाती थी। अब जब मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट किया है, तो नाउ आई गेट टू नो कि नहीं, ये चीज हम स्किप नहीं कर सकते हमारे रूटीन से। सबसे पहली चीज, फेस वॉश करने के बाद में जो करती हूँ वो आई अप्लाई अ टोनर ऑन माई स्किन। ये पिक्सी ब्यूटी का ग्लो टॉनिक है, जिसे मैं एज अ टोनर अपने फेस वॉश के बाद यूज करती हूँ। तो इसे आप डायरेक्टली स्किन पे भी अप्लाई कर सकते हो, बट आई प्रेफर टू यूज अ कॉटन पैड फॉर दिस वन। थोड़ा मैं इसको अपने कॉटन पैड पे ले लेती हूँ इस तरह से, और इसको जेंटली बस अपने स्किन पे ऐसे कॉटन की हेल्प से लगा लेना है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस गाइस। फेस वॉश करने के बाद भी मेरे स्किन पे इतना डर्ट था। आई जस्ट अप्लाई दिस लिप बाम ऑन माई लिप्स, क्योंकि लिप्स को भी हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है। दिस वन इज ऑल्सो फ्रॉम पिक्सी ब्यूटी। इसका शेड भी बहुत अच्छा है। तो सबसे पहला सीरम जो मैं यूज करती हूँ, हेलुरोनिक एसिड है लॉरियल का। आपने बहुत जगह पे इसको देखा होगा, बहुत लोग इसको यूज करते हैं और ये बहुत इफेक्टिव भी है। और ये बहुत ज्यादा लाइट वेट भी है। नेक्स्ट स्टेप में जो फॉलो करती हूँ, ये भी लॉरियल पेरिस का ग्लाइकोलिक ब्राइट सीरम है। इसके तीन ड्रॉप डे और नाइट, आप दोनों टाइम लगा सकते हो, बट आई जनरली यूज इट इन नाइट टाइम। आप अभी देख सकते हो मेरी स्किन बहुत हाइड्रेटेड लग रही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप मैं जो फॉलो कर रही हूँ, वो मैंने एक्चुअली मैं जो भी इन्फ्लुएंसर्स और ब्यूटी ब्लॉगर्स को फॉलो करती हूँ, उनका देख के मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे ये इनिस्फ्री का एलोवेरा जेल मैं ले रही हूँ। इसके बाद ये एंटी एक्ने प्लस वाइटनिंग टी ट्री सीरम। इसके बस मैं दो दो ड्रॉप लूंगी। इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ क्लेयर्स का विटामिन सी ड्रॉप्स। ये मैं ज़्यादा नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि आई फील ये मेरे स्किन पे बहुत ऑयली हो जाता है, तो मैं इसमें ये एक ही ड्रॉप ऐड करती हूँ। बट ये एक ड्रॉप भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट देता है। तो यहाँ पे मैं इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ अच्छे से। ओह माय गॉड, समर के टाइम पे एलोवेरा को अगर आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, तो एक बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा फीलिंग आता है। Wow. तो सबसे पहले मैंने ये अप्लाई कर लिया है अभी अपने पूरे फेस पे, और ये आप देख रहे हो ये हाइड्रेशन दे रहा है मेरी स्किन को। दिस इज माय मोस्ट फेवरेट मॉइस्चराइजर नाउडेज। एक्चुअली ये है राइस का सिरामाइड मॉइस्चराइजिंग इमल्शन। ये मैं मेकअप के पहले भी अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने स्किन को रिलैक्स करने के लिए नाइट टाइम पे यूज़ कर रही हूँ। और अब मैंने जो बताया था कि लास्ट स्टेप आपको देखना ही है, उसको स्किप नहीं करना है अपने स्किन केयर से, वो लास्ट स्टेप है ये। सो दिस इज पिक्सी ब्यूटीज अंडर आई क्रीम। जो बहुत लोगों की तरह आईज को स्किप कर देती थी कि लाइक फेस का मसाज हो गया, फेस को मॉइस्चराइज कर लिया, मेरा स्किन केयर तो डन है। बट नो, आपका स्किन केयर
अंडर आई क्रीम के बिना बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है एक्चुअली। जैसे कि आप अभी देख रहे हो मेरे डार्क सर्कल्स, ये तो मतलब मैं कहूंगी कि थोड़े कम हो गए, मुझे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि मेरा काम जो रहता है 9-10 आवर्स डेली आई एम यूजिंग माई लैपटॉप कंप्यूटर, एंड इसके साइड में जो भी रिंकल्स या कुछ भी था वो बहुत कम हो गए हैं। मेरे अंडर आईज का डार्कनेस है वो भी बहुत कम हो गया है, तो दैट्स वाई मैंने ये अपने नाइट स्किन केयर में अभी ऐड किया। जो भी मैंने सारे अभी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपको दिखाए हैं, ये मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन ऐसा ही होता है, बस मोर और लेस मैं कभी अगर मुझे कुछ दिखा, कुछ काम की चीज दिखी तो मैं ऐड करते रहती हूँ अपने स्किन केयर। आई फील आप भी आपका नाइट स्किन केयर रूटीन स्टार्ट कर दो आज से ही, और आपको क्या इफेक्ट दिख रहा है आपके स्किन केयर में ये मुझे कमेंट करके बताना, बिल्कुल मत भूलना। सो आई एम गोइंग टू यूज बस 20-30 सेकेंड के लिए आपके आईज को अच्छे से मसाज करना है। सो गाइज, मेरा आज का नाइट स्किन केयर रूटीन यहीं पे खत्म हो रहा है। आप लोगों को मेरा रूटीन कैसा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ गाइज, प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।